Stone is struck from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 50 meter high, when the stone was dropped, find its height when stone hits the ground. यहाँ पे बलून है 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. जब ये बलून ग्राउंड से 50 मीटर्स की हाइट पे है, उसी इंस्टेंट में एक स्टोन ग्राउंड से ड्रॉप करा जाता है. जब ड्रॉप करा जाता है, क्योंकि बलून के पास भी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो स्टोन के पास भी 5 मीटर्स पर सेकंड की अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड थी, तो बलून का जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो कुछ ऐसे होगा. ओके, और कुछ टाइम बाद जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करता है, उतने ही टाइम में हमको ये पता लगाना है कि बलून ग्राउंड से कितना ऊपर चला जाता है. ठीक है, तो पहले मैं ये टाइम फाइंड कर लेता हूं कि कितने टाइम में जो ये स्टोन है ग्राउंड को टच करता है, क्योंकि स्टोन के पास जो स्टोन है वो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो है ग्राउंड से 50 मीटर, क्योंकि इतना ऊपर गया और इतना ही नीचे गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 50 मीटर, और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -50 यूटी इनिशियल वेलोसिटी, इन अपवर्ड डायरेक्शन तो प्लस यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3.7 सेकंड्स आ जाएंगे. ठीक है, अब 3.7 सेकंड्स में जो ये स्टोन है ये नीचे ग्राउंड में पहुंचता है, इतनी देर में ही बलून कितना अप चला जाता है. अब बलून जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है बलून की, 5. कितने टाइम तक ऊपर चलेगा, 3.7 सेकंड्स तक ऊपर चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, टोटल 18.5 मीटर. तो इनिशियली जो हाइट थी बलून की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो थी 50 मीटर, और 3.7 सेकंड्स में उसने एक्स्ट्रा 18.5 मीटर ट्रेवल कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो उसका ग्राउंड से है वो होगा 68.5 मीटर्स. थैंक यू.